नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में आते हैं हमारे पास। ज़्यादातर जो लोग आईसीयू सेटिंग्स में काम कर रहे हैं उनके पास ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को कैसे स्कोर करके बताएंगे कि हमारा पेशेंट कितना ज़्यादा सीरियस है, और अगर पेशेंट सीरियस है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर पेशेंट कोई आपके पास आता है सेप्सिस में है तो उसमें कौन कौन से स्कोर होते हैं और सबसे बेस्ट स्कोर कौन सा है, जिसकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि हमारे मरीज को किस चीज की आवश्यकता है या किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखा है सेप्सिस। सपोज करिए कोई पेशेंट है जिसको बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसमें उसका टीएलसी काउंट या तो जो नॉर्मल रेंज होती है 4 से 11 हज़ार, तो 11 हज़ार से सपोज करिए ज़्यादा है या 4 हज़ार से कम है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक तरह से बैक्टीरीमिया है वो पेशेंट हमारा, चूँकि बैक्टीरिया इन ब्लड तो उसको हम बैक्टीरीमिया बोल देंगे। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हो जाए कि वो ऑर्गन फेलियर करने लगें, तो उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा पेशेंट किसमें है, सेप्सिस में है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सेप्सिस लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड। ये कोई इन्फेक्शन है, या तो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है या डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है। सस्पेक्टेड का मतलब उसके शरीर में कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज पस हो सकता है या कुछ ऐसा है, या फिर उसने इन्वेस्टिगेशन कराया और उसमें आया है कि इसको यहाँ पर दिक्कत है और यहाँ पर पस है या इन्फेक्शन है, जो भी है। प्लस मोर देन 2 सोफा स्कोर, इसके बारे में बात करेंगे। सोफा स्कोर का मतलब होता है सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है। अगर ये स्कोर मोर देन 2 है तो हम बोलेंगे कि हमारा पेशेंट किसमें है, सेप्सिस में है। तो सेप्सिस के लिए हम डेफिनेशन क्या देंगे कि सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन प्लस 2 और मोर देन 2 सोफा स्कोर। अगर इसमें पेशेंट लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा पेशेंट सेप्सिस में है। कब हम बोलेंगे हमारा पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, तो अगर सस्पेक्टेड या डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है पेशेंट को, प्लस उसका मीन आर्टियल प्रेशर 65 या मोर देन 65 रखने के लिए हमें वैसो प्रेशर का यूज करना पड़ रहा है। उस वैसो प्रेशर में कोई भी ड्रग हो सकती है, नोरेट, डोपा, डोब्यूटा। तो अगर हम इन वैसो प्रेशर का यूज करके इसका मीन आर्टियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। प्लस 2 और मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर पे उसका लैक्टेट लेवल हो। ये यहां पर जो ये लिखा है ये लैक्टेट की वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि हमारा पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। मतलब अगर किसी पेशेंट को सेप्टिक शॉक में बोलना है तो हमारे पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए, सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन, मीन आर्टियल प्रेशर मोर देन 65 विद वैसो प्रेशर, प्लस 2 और मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर पे लैक्टेट की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे हमारा पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। इस सेप्सिस के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे एक ये सर्स क्राइटेरिया है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया अब यूज नहीं होता है, क्योंकि ये इससे बेहतर क्राइटेरिया हमारे पास सोफा स्कोर है, तो इसको हम लोग नहीं समझेंगे, हम समझेंगे सोफा स्कोर के बारे में। चूंकि ये सोफा स्कोर बहुत ही वैलिड और रिलायबल है, खास करके आईसीयू सेटिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस स्कोर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे पैरामीटर हैं। इतने सारे पैरामीटर ना याद करके एक इसके क्विक असेसमेंट के लिए यहाँ पर एक स्कोर दे दिया गया है क्यू सोफा। यहाँ पर क्यू का मतलब है क्विक, ये जो क्यू लिखा है इसका मतलब है क्विक, क्विक का मतलब रैपिड। इसमें हम सिर्फ 3 चीजें लेते हैं। एक तो हम रिस्पिरेटरी रेट लेते हैं, अगर किसी पेशेंट का रिस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 पर मिनट है, अगर रेस्पिरेटरी रेट किसी भी पेशेंट का 22 से ज्यादा है, या फिर वो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में है। ये ए का मतलब है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हम किससे चेक करते हैं, जीसीएस से। तो इसका मतलब है उसका जीसीएस जो है
नॉर्मल एक पर्सन का जीसीएस होता है 15 का, तो 15 से कम है उसका, तो जीसीएस स्कोर अगर किसी का मोर देन वन कम है, मोर देन वन अगर जीसीएस स्कोर कम है तो हम बोलेंगे कि पेशेंट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में है। और ये हमारा क्विक सोफा का सेकेंड कंपोनेंट हो गया। जो तीसरी चीज है ये एस, इसका मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट का लेस देन 100 mmHg है तो हम बोलेंगे कि वो पेशेंट हमारा इस क्विक सोफा में अप्लाई कर रहा है। तो इस क्विक सोफा में हमने सिर्फ तीन कंपोनेंट देखने हैं। ये तीन कंपोनेंट क्या क्या हैं? रेस्पिरेटरी रेट, जीसीएस और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इनमें दो या दो से ज्यादा, सपोज करिए हमने इसको एक पॉइंट इसको दे दिया, एक पॉइंट इसको दे दिया और एक पॉइंट इसको दे दिया, तो हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3। तो 3 में से अगर किसी पेशेंट को 2 मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट हमारा सेप्सिस में है, और उसके लिए हमें पहले से ही हायर एंटीबायोटिक फ्लूइड और या वैसोप्रेसर देने की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ेगी। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 mmHg लिखा है, ये लेस देन 100 mmHg तब है जब हमने पेशेंट को एडिक्वेटली रिससिटेट कर दिया है फ्लूइड से, और उसके बावजूद भी अगर लेस देन 100 mmHg आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो पेशेंट हमारा ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है और वो उस पेशेंट को सेप्सिस है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कोर है वो ये स्कोर है जिसे हम बोलते हैं सोफा स्कोर। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 24 होती है। तो यहाँ पर इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो हमने स्कोर दिया है 0, और अगर मैक्सिमम है तो हमने स्कोर दिया है 4 का। और हमने कितने सिस्टम लिए हैं? हमने टोटल 6 सिस्टम लिए हुए हैं, तो 6 × 4 = 24, तो ये इसका मैक्सिमम स्कोर है। तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्कोर सोफा का कितना होता है 24 और मिनिमम कितना होता है 0। हम जब भी सोफा स्कोर की बात करते हैं तो हम इसमें देख रहे हैं सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। तो हमारे पास हेड टू टो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो मेजर जो ऑर्गन है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सीएनएस। यहां पर आप देख सकते हैं सीएनएस को हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम उसका जीसीएस देखेंगे। जिन लोगों ने जीसीएस स्कोर नहीं देखा हुआ है तो पिछले वीडियो में जाकर के वो देख सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया है जीसीएस। तो सबसे ऊपर हमारे पास सीएनएस है, सीएनएस के बाद फिर हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट में हम क्या देखेंगे? बीपी। हार्ट का अगर हम हार्ट का फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? बीपी। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे? PaO2 / FiO2, इसको हम बोलते हैं पीएफ रेशियो। ये कैसे निकलता है? जब भी हम एबीजी कराते हैं तो उस एबीजी से हमको PaO2 मिलता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू लगभग 100 होती है, 80 to 100 होती है ये नॉर्मल वैल्यू PaO2 की। और रूम एयर पे FiO2 जो हमारा होता है, मतलब रूम एयर पे 21% ऑक्सीजन होता है आउट ऑफ 100, तो हम लगभग अगर 21% को 20 मान लें और इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? PaO2 इसका 100 / 20, इसका मतलब लगभग ये 500 आ जाएगा। तो जब हमने मैक्सिमम लिया है तो ये 100 का अगर मैक्सिमम लिया है तो ये हमारा 500 आ रहा है, 500%। अगर ये हम 80 ले लेंगे तो 20 × 80 ये 400 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने 400, 300 से 400, 200 से 300 इस तरह से देखा है। इसके बाद फिर हम देखेंगे फोर्थ कंपोनेंट में लीवर के बारे में। लीवर में हम क्या देखेंगे? बिलिरुबिन को। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके सिर्फ यही पूछा जाता है कि सोफा का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है और क्या क्या कंपोनेंट हम उसमें लेते हैं। तो यहाँ पर लीवर में हमने सिर्फ बिलिरुबिन लिया हुआ है लीवर को असेस करने के लिए। तो बिलिरुबिन इन mg/dl है।
किडनी के लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है किडनी, किडनी के लिए हमने क्रिएटिनिन ले रखा है एनजीपरडीएल में, और इन सबको इंटरकनेक्ट कौन करता है, ब्लड। तो ब्लड में हम कोएगुलेशन देखेंगे, और उस कोएगुलेशन को देखने के लिए हमने क्या करा हुआ है, प्लेटलेट काउंट लिया हुआ है। तो हमने 6 ऑर्गन सिस्टम लिए हुए हैं, सीएनएस, सीवीएस, रेस्पी, लिवर, किडनी और ब्लड। तो इनमें हम जो चीज देख रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर हम एक तरह से यह चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में देख करके हम बताएंगे कि उस पेशेंट का सोफा स्कोर कितना है और उस पेशेंट को कितना रिस्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीसीएस है, जीसीएस अगर किसी पेशेंट का 15 है तो 15 मतलब पेशेंट नॉर्मल है तो हमने उसको 0 दे दिया है। अगर 13-14 है तो हमने उसको 1 दे दिया है। 10-13 को 2 दे दिया है, 6-9 को 3 दे दिया है, और लेस देन अगर 6 है किसी का जीसीएस स्कोर तो उसको हमने 4 दे दिया है। इसी तरह से बीपी देखने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल हाइपोटेंसिव नहीं है, उसका नॉर्मल बीपी है, तो उसको उसका स्कोर 0 हो जाएगा। किसी पेशेंट का अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 70 mmHg है तो हम क्या करेंगे कि उसको स्कोर 1 का देंगे। अगर पेशेंट को डोपामीन लेस देन या इक्वल टू 5 mg/kg/min से चलाना पड़ रहा है, या फिर डोब्यूटामीन चलाना पड़ रहा है किसी भी डोज में, तो हम बोलेंगे कि उसका स्कोर कितना है, 2 का है। अगर डोपामीन मोर देन या इक्वल टू 5 mg/kg/min पे चलाना पड़ रहा है, और नॉर एड्रेनालिन लेस देन और इक्वल टू 0.1 mg/kg से चलाना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो स्कोर है ये 3 पे लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर डोपामिन हमें मोर देन 15 mg/kg/min पे चलाना पड़ रहा है, और नॉर एड्रेनालिन मोर देन 0.1 mg/min पे चलाना पड़ रहा है, मोर देन 0.1 mg/min पे चलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्कोर लाइक करेगा 4 पे। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में पीएफ रेशियो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अगर मोर देन 400 है तो हम बोलेंगे कि 0 है, 300 से 400 है तो 1 है, 200 से 300 है तो 2 है, 100 से 200 है तो 3 है, और लेस देन 100 है तो 4 का स्कोर है। फिर हम लीवर की बात करेंगे, बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल है अगर उससे कम है, समझ करिए 1.2 से कम है, तो हम उसको 0 पे आएगा वो, 1.2 to 1.9 है तो ये 1 पे आएगा, 2 to 5.9 पे आएगा तो ये 2 पे आएगा, 6 to 11.9 पे आएगा तो 3 पे आएगा, और मोर देन 12 पे आएगा तो वो स्कोर 4 होगा। इसी तरह से किडनी का देखेंगे तो अगर लेस देन 1.2 है, जैसे सेम इसका है वैसा, तो लेस देन 1.2 है तो इसका मतलब है कि वो स्कोर 0 है, 1.2 to 1.9 है तो इसका मतलब 1 है, 2 to 3.4 है तो इसका मतलब है कि वो 2 का है, और 3.5 से 4.9 है तो 3 है, मोर देन 5 है तो 4 का है। लास्ट में जब हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं तो अगर हमारा नॉर्मल जो प्लेटलेट वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख होती है, तो अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो हम उसको 0 असाइन करेंगे, अगर लेस देन अगर 1.5 लाख से कम है तो हम बोलेंगे कि वो 1 है, अगर 1 लाख से कम है तो हम बोलेंगे 2 है, अगर वो 50,000 से कम है तो 3 बोलेंगे, और 20,000 से कम है तो 4 बोलेंगे। तो इस तरह से हम सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट करते हैं, और खास करके आईसीयू पेशेंट में ये देख करके हम बता पाते हैं कि हमारा पेशेंट कितना सीरियस है, और उसके हिसाब से हम हायर एंटीबायोटिक रेजिस्टेशन और पेशेंट को वैसो प्रेशर पे पहले ही ले लेते हैं, जिससे कि उस पेशेंट की ये ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकें, या फिर पेशेंट को हायर अप एंटीबॉडी पे एंटीबायोटिक्स पे लेकर के उसका इन्फेक्शन रोका जा सके। थैंक यू।